कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि आई एक सिंबल है रूट ओवर माइनस वन का, और आई टू द पावर फोर वन होता है। आई के कोई भी हायर पावर को निकाला जा सकता है, जैसे अगर माइनस 33 पूछूं तो ये वन बाय आई टू द पावर 33 था, तो 33 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 बाय आई होने से हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो इससे तुम्हारे पास ऊपर आई और नीचे आई स्क्वायर हो जाता था। आई और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो ये माइनस आई हो जाता था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज नहीं देखा था कि क्या ये पॉसिबल है कि 3 + 4i और 5 + 6i में विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। तो ये जो एक सवाल है विच वन इज ग्रेटर, ये एक मीनिंगलेस सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मीनिंगलेस सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम नहीं बोल सकते हो कि कौन सा चीज बड़ा है और कौन सा छोटा है। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तुम कॉर्नर ज्योमेट्री में, तुमने अभी तक कभी कॉर्नर ज्योमेट्री में तो तुमने लास्ट ईयर बहुत पॉइंट्स पढ़ा होगा, 1,1 और 5,5। भले ही ऊपर लाई करता है, मगर ये बोलते हो क्या कि 5,5 1,1 से बड़ा है? नहीं बोल सकते हो ना। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इनइक्वालिटी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर तुम मैं मान के चल रहा हूं कि लेट कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स होल्स इनइक्वालिटी, अगर ऐसा होता है देन वी मस्ट कंपेयर, वी मस्ट एबल टू कंपेयर आई एंड वन, आई और जीरो को कंपेयर करते हैं। आई और जीरो को कंपेयर करता हूं। पहला कंपेरिजन ये है कि आई और जीरो दोनों सेम है, ये ट्रू या फॉल्स, क्या बोलोगे? False. ये तो फॉल्स, आई जीरो कैसे हो सकता है? सेकंड कंपेरिजन है कि आई जीरो से बड़ा है, ठीक है, अगर आई जीरो से बड़ा होगा तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली चीज जीरो से बड़ा होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन जीरो से बड़ा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अगर आई लेस देन जीरो होगा तब, अगर दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो, माइनस थ्री इज लेस देन सपोज जीरो, तो नेगेटिव नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक नेगेटिव नंबर से, जैसे माइनस थ्री से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो आई को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो फिर से क्या मिला, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन जीरो। तो आंसर क्या, आई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो मतलब माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो तीनों केस में ही फॉल्स मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ना तो आई जीरो के इक्वल है, नो तो आई जीरो से बड़ा है, ना तो आई जीरो से छोटा है। इसका मतलब है आई एंड जीरो कैन कंपेयर और कैन नॉट बी कंपेयर, कैन नॉट बी कंपेयर। तो अगर आई और जीरो को कंपेयर नहीं कर सकते हो तो कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब है इन कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड, inequality does not hold. इसीलिए तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी सम ऐसा आता है, इफ ए प्लस आई बी इज ग्रेटर देन सी प्लस आई डी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए जीरो और सी जीरो, ऑप्शन नंबर बी ए जीरो और डी जीरो, ऑप्शन नंबर सी बी जीरो और डी जीरो, ऑप्शन नंबर डी बी जीरो और सी जीरो, कौन सा ट्रू होगा तब बोलोगे? अगर ये ट्रू है नंबर ए, अगर ए ए हो, ए होगा क्या, जरा ध्यान से देखो ए को, अगर ए तुम्हें क्या बताता है, ए तुम्हें बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते, फॉल्स। मगर ये सी क्या बताता है, इमेजिनरी पार्ट थ्योरी जीरो, तब तो ठीक है। ए ग्रेटर देन सी का मतलब हो गया कि ए और सी तो रियल नंबर है, नहीं क्या? हाँ, और ये होल्ड करेगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी। किसी को लिखने का मन है लिखो, ठीक है, यहां से शुरू करो। इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स।
सर नंबर नाइन, लाइन नंबर 19 में हमने स्क्वायर क्यों नहीं किया? नंबर 19 में अरे स्क्वायर भी कर सकते थे, स्क्वायर भी कर सकते थे, मैं बस उससे भी आंसर आता, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, सर टीवीएस में थोड़ा डाउट था तो थोड़ा क्लास के बाद लूं क्या? ठीक है सर, ठीक है हाँ, क्योंकि थोड़ा सा करवा देता हूँ, लास्ट क्लास में ज्यादा कुछ करवाया नहीं था इसलिए, आज जब शुरू कर दिया तो मोमेंटम का बात है, दोबारा टीपीएस में जाऊंगा, मैं भूल गया एक्चुअली टीपीएस के बारे में बोलना इसलिए। सर थर्ड वाले में वो आई लेस देन 0, उसमें सर वो साइन इनइक्वालिटी का साइन कैसे चेंज होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो चेंज कोई क्यों होगा ना, कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर मैं -3 को -1 से मल्टीप्लाई कर एक नेगेटिव नंबर से तो क्या होगा? सर हाँ, लेकिन यहाँ हमने नेगेटिव नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? मैंने तो i लेस देन 0 का मतलब ये माना, i इज नेगेटिव, i लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? i इज नेगेटिव। ओके सर, हाँ आगे चलूं? थोड़ा बाकी है, ठीक है लिख लो, बाकी है तो 45 सेकंड का एक टाइम दे देता हूं। आगे चलो, चलो लास्ट क्लास में प्रूफ नहीं करवाया था एक भी, हाँ, मगर स्कूल के एग्जामिनेशन में अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो दे आर गोइंग टू आस्क द प्रूफ आल्सो। अगर ऑब्जेक्टिव है तो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जैसे एनसीईआरटी ने खुद पूछा है, हाँ, जैसे प्रूफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू mod Z1 into mod Z2, ये प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसा कोई भी चीज प्रूफ करना है, चाहे वो मॉड हो या कॉन्जुगेट का हो, एक ही प्रूफ करवाऊंगा क्योंकि सबका लॉजिक एक ही है, तुम ले लोगे let Z1 को ले लो X1 plus IY1 और Z2 को ले लो X2 plus IY2, जहां पे X1 X2 Y1 Y2 रियल है, मेरा काम खत्म, सीरियसली कह रहा हूँ काम खत्म, अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है, अब तुम लोग खुद निकाल पाओगे। अगर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करोगे ये सब याद नहीं रखोगे, खत्म, मतलब ये हर बच्चा एग्जाम में कर पाएगा। इसे ब्रेक करोगे तो मैं ब्रेक डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट तुम जानते हो, ये ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था, X1 Y2 plus X2 Y1 आई के साथ ये आएगा, तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए मॉड ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा, रूट ऑवर ऑफ क्या, X1 X2 माइनस Y1 Y2 का क्या, होल स्क्वायर, और क्या X1 Y2 प्लस क्या X, क्या ये समझ में आया पहले, हाँ या ना बोलो? Yes. तो अगर ये होल स्क्वायर होगा तो ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, ये X1 X2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ X1 X2 Y1 Y2 प्लस X1 Y2 स्क्वायर प्लस X2 Y1 स्क्वायर प्लस 2 X1 X2 Y1 Y2, क्या फायदा, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं तो क्या मिला तब तुम्हें अल्टीमेटली, X1 स्क्वायर X2 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर Y2 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर Y2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर Y1 स्क्वायर, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो कुछ कॉमन किसी में ले पाओगे, कोई बोलेगा मैं वेट कर रहा हूं, कुछ ऐसा पेयरिंग करूं कि कॉमन ले पाऊं, सो फर्स्ट और थर्ड से X1 स्क्वायर आएगा, फर्स्ट और थर्ड से
फर्स्ट और थर्ड में पेयरिंग करता हूं तो क्या मिला, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, और तो बच क्या गया, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर, क्या पेयरिंग आ रहा है, क्या पेयरिंग आया, x1 स्क्वायर, तो क्या मिला x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसमें क्या पेयरिंग आया, सॉरी कॉमन क्या आया, y1 स्क्वायर, तो क्या बच गया, y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, क्या देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर कॉमन लूं तो क्या बच गया था, x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या बनाइए, तब रूट ओवर ऑफ क्या, x1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर है तो रूट को अलग कर सकते हो, ये क्या था, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, z1 को मैंने लिया था x1 प्लस i y1, तो मॉड z1 क्या था, रूट ओवर ऑफ x1 स्क्वायर, तो क्योंकि इसका ऑलरेडी टीवीएस तुम लोग को दे दिया था, तुम लोगों ने सबमिट किया है, जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया है तो या तो तुम लोग चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, या तो तुम्हारा कोई सेटिंग है स्कूल के टीचर के साथ, ठीक है, या तो तुम सुपर जीनियस हो, लिखना है तो लिखो, तीनों में से कोई से कोई एक चीज तो होगा, या तुम्हें ठीक है जिंदगी का तुम्हें यथार्थ पता चल चुका है कि मार्क्स का कोई मायने नहीं है इस जिंदगी में, क्या मायने, लिखना है तो लिखो, तो तुम एकदम मतलब उस बौद्ध को जान चुके हो जो सबसे बड़ा बात होता है कि जीवन में कोई भी चीज का मायने नहीं है, अपने हाथ के हाथ में जो तुम्हारा मोबाइल है ये जाके पेरेंट्स को दे दो, बोलो कुछ नहीं रखा है इसमें, लिखना शुरू करना शुरू करो, मोबाइल का एक बार टाइम देखना कि कितना घंटा देखते हो, ठीक है, एक मतलब आदमी आजकल बोर होने से भी ऐसे ही मोबाइल देखता ही रहता है, हालत वो हो गया, ठीक है, तो इसलिए जरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखना, अननेसेसरी देख के फायदा नहीं है, आंख को खराब करके क्या करोगे, पर मुझे टीवीएस नहीं मिला था, इसको नहीं मिला था टीवीएस, सर हाँ व्हाट्सएप में नहीं मिला मुझे, तो ट्रिक से क्यों तुमने फोन नंबर चेंज किया है क्या, नहीं सर, तो ये क्या, अरे सर नहीं मुझे नहीं मिला, मतलब आपने मुझे वो रिकॉर्डिंग दिया था और पीडीएफ सेंड किया था क्लास का, तुम्हें तो नॉर्मली चीजें मिल रहा है ना, अगर आज का लिंक मिला तो टीवीएस भी मिला होगा, टीवीएस आज का रिकॉर्डिंग का लिंक मिला है या नहीं, हाँ सर, और रिकॉर्डिंग का लिंक मिला मतलब ये तो ठीक है, रुक जरा देख लेता हूँ, हाँ नहीं मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोबाइल है वहां पे मेरा नंबर डिलीट हो गया, तुम्हारा सब चीज तुम्हें नहीं मिल रहा है, ये तो आज का दो नंबर है क्या तुम्हारा मेरे पास, नहीं एक ही नंबर तो, सर मुझे लास्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टीबीएस मिला उसके बाद नहीं मिला, मुझे लग रहा है कि मेरा फोन नंबर डिलीटेड है तुम्हारे उसमें, तुम एक बार देख लो, या मेरा फोन नंबर डिलीट करके दोबारा रखो, कुछ हुआ है, हाँ क्योंकि मेरे यहाँ पे जा रहा है मगर रिसीव नहीं दिखा रहा है तुम्हें, हाँ तो आज का लिंक भी तुम्हें नहीं मिला यहाँ पे, तो यही बता रहा है कि तुम्हारा लिंक भी नहीं मिला, लिंक कैसे तुम्हें मिला फिर, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लिंक कैसे मिला तुम्हें, लिंक मिला है मुझे, मगर ये तो दिखा रहा है लिंक भी नहीं मिला है तुम्हें, हाँ चलो मैं देख, ठीक है एक काम करना, क्लास खत्म हो जाने के बाद मुझे मैसेज कर देना, मैं निकाल लूंगा, तुम क्या बोलना भेज दूंगा, हाँ चलो आगे चलो,
सुनने में आ रहा है बाकी लोग? निकालूं, आगे निकलूं या लिख रहे हो? लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिख लो तब। तब लिखो, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, तो लिखो इसे। हाँ, मैं दो मिनट में खुद आ रहा हूँ। आगे निकलूं? चलो। यस सर। चलो। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है, लिखने का जरूरत नहीं है। मॉड जेड हमारे पास था रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड बार का वैल्यू था एक्स माइनस आई वाई। तो कभी कभी किसी किसी चीज को पकड़ो, जैसे प्रूफ इफ दिया हुआ है तुम्हें x प्लस आई वाई का वैल्यू a प्लस आई बी बाय a माइनस आई बी, और तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। ठीक है, तो x प्लस आई वाई से ये वाला जो टर्म है ये तुम्हें कब मिलेगा जरा सोचो ना। x प्लस आई वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर रहेगा, मुझे मालूम है। ये है क्या? क्या ये इसका ऑब्जर्व करो, ये इसका क्या है? क्या ये इसका मॉडुलस नहीं है? हाँ या ना? यस सर। तो चलो तो शुरू करते हैं तब। अगर x प्लस आई वाई
अगर एक दोनों दोनों अगर ये दोनों सेम है तो दोनों साइड का मॉडुलस भी सेम होगा, होगा या नहीं? मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ क्या? ए प्लस आई बी वाई। मगर डिवीजन में मॉडुलस का चिंता नहीं है कि मॉड जेड वन बाय जेड टू का वैल्यू क्या था, मॉड जेड वन बाय क्या, मॉड जेड टू, तो क्या मिलेगा? मॉड एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस आई बी वाई, मॉड ऑफ ए माइनस आई बी। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ, इसका मॉडुलस क्या होगा ऊपर वाले का मॉडुलस? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस, नीचे वाले का मॉडुलस क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। मगर बात तो बराबर है नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हेंस तुम्हें क्या मिला? रूट ओवर ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। हेंस क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो खेला खत्म, प्रूफ यही करना था। तो तुम्हें पकड़ना होगा चीजों को, ठीक है, कि कब मिलेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर हाँ बोलते जा। सर क्या हम ये सम बोथ साइड कंजुगेट लेके कर सकते हैं? हाँ कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दो तब भी कर सकते हैं। ओके सर, आगे निकलूं? लिख रहे हो? ठीक है लिख लो। क्या बोलते, आगे निकलूं? यस सर। ठीक है चलो, प्रॉब्लम इफ एक्स माइनस आई वाई इजिकल टू रूट ओवर ऑफ ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आई डी, प्रूव दैट एक्स प्लस आई वाई इजिकल टू रूट ओवर ऑफ ए प्लस आई बी बाय सी माइनस आई। क्या कोई रिलेशन है ये दोनों में? कॉन्जुगेट। तो जैसे ऊपर में मॉडुलस लिया था तब यहाँ पे क्या लोगे? कॉन्जुगेट। तुम्हें अगर तुमने ये ऑब्जर्व कर ही लिया तो गिवन क्या है? गिवन है एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए माइनस आई बी बाय ए प्लस आई बी, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड। अगर दोनों साइड कॉन्जुगेट लोगे तो हाँ बोलते जा। तो C plus ID, हाँ ठीक है, हाँ मैंने गलती लिखा है। C plus ID, ते अगर दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लोगे तो कॉन्जुगेट तो अंदर जा सकता है। A minus IB का कॉन्जुगेट इज सेम एज C plus ID का कॉन्जुगेट, क्योंकि रूट ओवर ऑफ Z बार इज सेम एज रूट ओवर ऑफ Z बार होता है। तो कॉन्जुगेट होने से क्या हो गया तब? ये एक्स प्लस आई वाई इजिकल टू रूट ओवर ऑफ क्या? कॉन्जुगेट ऑफ ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी इज व्हाट? सी माइनस आई डी। यही तो प्रूफ करना था, दो स्टेप में प्रूफ हो गया, कुछ है ही नहीं। आगे निकलो। चलो, अब कभी कभी वो भी सम्स होते हैं जहां पे तुम्हें कंपेयर करना होगा, कंपेयर बोथ साइड। मैं सम ऐसा दिया होगा कि तुम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे अगर पूछूं कि इफ एक्स प्लस आई वाई
होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी. देन सो दैट एक्स बाय प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये जो है ये ना तो इसका कॉन्जुगेट है और ना तो इसका मॉडुलस है. इसका मतलब है कि तुम्हें x और इसके a के बीच में रिलेशन निकालना है, मगर अभी नहीं निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि इसमें अभी तुम्हें रियल पार्ट नहीं पता है, क्योंकि ये 1/3 है सॉल्यूशन. तो क्या किया जाए? मतलब x प्लस 1 का 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी. तो 1/3 हटाने के लिए क्या किया जाए? अभी किसी ने बोला ही क्या? क्यूबिक बोथ साइड. चलो तो इस अगर मैं x प्लस आई वाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी का होल क्यूब. तो a प्लस आई बी के होल क्यूब को अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? ये a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर इंटू आई बी प्लस थ्राइस a आई बी का होल स्क्वायर प्लस आई बी का होल क्यूब. तो इसका मतलब x प्लस आई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये a क्यूब हो जाएगा प्लस i इंटू क्या? 3a स्क्वायर b. अब ये वाला टर्म तो आई स्क्वायर देगा ना, मगर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था? माइनस वन. तो इसलिए ये माइनस थ्राई से बी स्क्वायर. और आई क्यूब का वैल्यू क्या था? माइनस आई. तो ये जो आई क्यूब होगा ये क्या दे देगा? ये देगा माइनस आई बी क्यूब. लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट एक्स है, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है? कोई बोलेगा? ऑनलाइन क्लास है तो बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा. रियल पार्ट क्या है? थ्रेस ए बी स्क्वायर. तो इसे एक साथ ले लेता हूँ और आई अगर कॉमन ले लूंगा तो ये और ये रियल पार्ट है. ये आई आई के साथ जाएगा, मतलब सम का कोई औकात थोड़ी ना है. अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? तब एक्स का वैल्यू क्या मिला? ए क्यूब माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर. वाई का वैल्यू क्या मिला? थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब. तो यहाँ से एक्स बाय ए का वैल्यू क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस. यहाँ से वाई बाय बी का वैल्यू क्या मिला? थ्राइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. किसका वैल्यू निकालना है? एक्स बाय प्लस क्या? वाई बाय बी. तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तुम भी बोलोगे सर छोड़ दीजिए, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. टाइम देता हूँ 2 मिनट का, आराम से लिखो, कहीं डाउट है तो बोलो. तो ये कौन सा है? समझ में आया? कंपेयरिंग. मगर कंपेयर करने के लिए क्या होना पड़ेगा? एल्गोरिथम क्या है? डायरेक्ट कंपेयर नहीं करोगे. फर्स्ट कौन सा फॉर्म चाहिए? ए प्लस आई बी फॉर्म में. तो 1/3 होने के कारण ए प्लस आई बी फॉर्म कैसे लाया गया? क्यूब करके लाया गया. लिखना है तो लिख लो. आगे चलूं? यस सर. यस. तो जैसे अभी तुमने क्यूब रूट निकाला वैसे ही तुम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर.
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व वाई सॉल्यूशन। मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो इसे क्या ले लूं, एक्स प्लस आई वाई ले सकता हूं, यही चाहिए ना मुझे, एक्स और वाई चाहिए जहां पे एक्स और वाई रियल है। अब कंपेयर तो अभी नहीं कर पाऊंगा, ये रूट ऑफ इसलिए दोनों साइड क्या करूं, ऊपर इससे पहले वाले सम में क्या किया था स्क्वायर, दोनों सम दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तब माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व वाई इक्वल टू क्या, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई एक्स वाई। थोड़ा सजा के लिखूं तो क्या मिला, माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व वाई आई स्क्वायर माइनस वन होता है। तो अगर अब मैं दोनों साइड में रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करूं, एग्जैक्टली ऊपर वाला समझ रहे, अगर मैं कंपेयर करूं रियल एंड इमेजनरी पार्ट तो क्या मिलेगा, रियल एंड इमेजनरी पार्ट कुछ मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या मिला माइनस फाइव, हाँ या ना, और ट्वाइस एक्स वाई का वैल्यू क्या मिला ट्वेल्व, तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्स बाय एक्स। तो वाई अगर सिक्स बाय एक्स हो जाएगा, ये अगर इसमें डाल दूं तो ये कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये नंबर वन लेता हूं और ये फ्रॉम वन में बोल रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक्स टू पावर फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, क्या ये मिड टर्म फैक्टर हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्यों, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, तो क्या पॉसिबिलिटी आया, आइदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और क्या, बोलो, मगर एक्स रियल नंबर है, क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना, जरा बोलोगे भी वरना बोर हो जाओगे, बस ऐसे करके देख रहे होगे, देख रहे होगे फटाक करके यूट्यूब देख लोगे, हाँ नो नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्स का दो वैल्यू पॉसिबल है प्लस माइनस टू, अब वाई कहाँ से निकले बोलो, कोई बोलेगा, मैं जानता हूँ हर कोई जानता है मगर कोई बोल दे बस, हाँ क्या बोला हेमंत, तू कुछ बोल रहा था मगर तेरा माइक्रोफोन ऑन नहीं था, दार्थी का माइक्रोफोन ऑन नहीं है, सुनने में नहीं आया मुझे, कोई और कुछ बोलेगा, बोलेगा तो मैं लिखूंगा, कहाँ से निकले ठीक है, तो वन, हाँ तो वन से क्या निकला, एक्स का वैल्यू अगर टू लूंगा तो वाई का वैल्यू सिक्स बाय टू थ्री, और अगर एक्स का वैल्यू माइनस टू लूंगा तो वाई का वैल्यू माइनस थ्री, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा, एक बार दिखेगा टू प्लस थ्री आई और एक बार क्या दिखेगा माइनस टू माइनस, तो कॉम्प्लेक्स रूट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है ना रे, इसमें एक ये एक मल्टी वैल्यूबल फंक्शन है, मतलब ये एक वैल्यू नहीं देता, दो वैल्यू देगा प्लस माइनस टू ऑफ थ्री आई, खेला खत्म। हर समय याद रखना प्लस और माइनस दो वैल्यू देता है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट ऑवर से वैल्यू निकालोगे इसका। मगर एक शॉर्टकट मेथड भी है, मेरा कहना है कि अगर ये सपोज ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव में भी ये काम कर सकते हो, तो इतना मत करो, मतलब क्या सर क्या करें, तब परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर का कुछ स्टेप है यहाँ पे, स्टेप वन में क्या करोगे, तुम्हारा मेन एम है कि इसको इस वाले को तुम ऐसा लिखो कि ये टू इंटू टू आई ए बी हो जाए, हाँ, और माइनस फाइव को ऐसा लिखो कि ये ए स्क्वायर प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो जाए, मतलब ए स्क्वायर माइनस, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा लिखो कि तुम्हें ए स्क्वायर प्लस आई बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई ए बी मिल जाए, क्या ऐसा मिल जाने से तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हो, हाँ, और बाहर तो मैंने कहा ही कि बाहर हर समय प्लस माइनस रहता है, हाँ, या मॉड नहीं आता है यहाँ पे, तो उस लॉजिक से अब जरा देखें तो रूट ऑवर माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व वाई को क्या कर सकता हूँ, ट्वेल्व वाई को क्या लिख सकता हूँ, माइनस फाइव प्लस टू इंटू कितना सिक्स आई, अब टू इंटू सिक्स आई को ऐसा ब्रेक करो कि तुम्हें माइनस फाइव मिले, तो सिक्स आई को तुम दो काम लिख सकते हो, क्या तुम थ्री इंटू फोर के साथ आई दे सकते हो, और तब थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस फोर आई का होल स्क्वायर, सॉरी मैंने गलती लिखा, तुम भी बोलोगे सर कि आप बेवकूफ हो, ऐसा थ्री इंटू फोर तो ट्वेल्व होता है, सॉरी सिक्स आई को मैं लिख सकता हूँ थ्री इंटू टू आई, हाँ, और तब
थ्री स्क्वायर प्लस टू आई का होल स्क्वायर क्या होगा, ये दिमाग में सोचोगे रे, थ्री थीटा नाइन माइनस फोर क्या हो जाएगा, फाइव। तुम्हें फाइव चाहिए या माइनस फाइव चाहिए, एकदम घटिया सवाल पूछ रहा हूँ, बस मुझे बोलो तुम्हें फाइव चाहिए। तो माइनस फाइव चाहिए मतलब आई किसके साथ होना पड़ेगा, बड़े वाले के साथ या छोटे वाले के साथ, नेगेटिव किसके साथ चाहिए होगा, ठीक है नेगेटिव। तो इसका इसका मतलब है कि थ्री आई स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर कितना हो जाएगा, तब माइनस नाइन प्लस फोर कितना आया। तो माइनस फाइव के लिए आई किसके साथ होना चाहिए, थ्री के साथ या टू के साथ, तो इसलिए क्या क्या लिख सकते हो तब इसे, टू स्क्वायर प्लस कितना, थ्री आई का होल स्क्वायर प्लस कितना, टू इंटू कितना, टू इंटू थ्री आई, खेला खत्म, क्या हो गया रूट आवर ऑफ क्या, टू प्लस। तुम बोलोगे सर कहाँ छोटा है, बहुत बड़ा हो गया। अरे यार बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि समझा रहा हूँ, और एक सम करवाऊ क्या, करवा देता हूँ तुम्हें चाहिए तो, रूट आवर ऑफ सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई, चल बोलो ठीक है, सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई क्या हो जाएगा, सेवन माइनस टू इंटू कितना बोलो, 12y। तो 12y को क्या लिख सकते हो, 7 माइनस 2 इंटू सब 3 इंटू 4i लिखता हूं। तो अब मुझे बोलो 7 चाहिए क्या, i किसके साथ दूं, 3 के साथ या 4 के साथ, i जिसके साथ जाएगा वो नेगेटिव होगा 7 को, ठीक है, क्योंकि मुझे 7 चाहिए, 7 चाहिए इसका मतलब क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें माइनस 16 प्लस 9 नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, 16 माइनस 9 चाहिए, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। और 16 माइनस 9 चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, 16 को क्या लिखोगे, मगर माइनस नाइन को क्या लिखोगे, थ्री आई का क्या, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट आवर ऑफ कितना, फोर माइनस, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बोलोगे, कितना छोटा हो रहा है, देखो सम काफी लंबा है मगर मैंने ऊपर से शुरू किया, ठीक है ये लिखने का टाइम दूंगा, ध्यान से देख लेना, कहीं डाउट है तो बोलोगे, ठीक है मैं काफी लंबा है, मैं इस पेज के लिए दो मिनट दे रहा हूं, हाँ लिखो आराम से, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे चलो, क्या हुआ लिख रहे हो, बोल देना, चुप रहने, कोई एटलीस्ट एक बंदा बोल दो, रुक जाओ, हाँ सर लिख रहे हैं, हाँ ठीक है भाई बस बोल देना, हाँ ठीक है बस, हाँ तो आराम से माइक्रोफोन जिसका इजी है वो खोल के बस बोल दे, सर रुक जाइए, हाँ हम रुक जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोर्स थोड़ा जल्दी शुरू इसलिए किया था क्योंकि
हुआ, थोड़ा नीचे चले जाता हूँ, जो लोग को नीचे वाला लिखना है वो नीचे लिख। आगे चलूं? थोड़ा नीचे पे, नीचे का नीचे वाला कर देता हूं। तो लास्ट लाइन को दिखाना है इस पेज का, ऊपर वाले पेज का, ये वाले पेज का, ये वाला, ये रहा। हाँ बोल। जी सर, थैंक यू। लिख रहे हो? और 45 मिनट्स दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं, 2 मिनट लिखता हूं। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ बोल, आगे निकल रहा हूँ। हाँ चलो, तो सपोज तुमसे पूछा जा रहा है ये स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट सम ऐसा 1 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 3, क्या करोगे? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 3 में इसे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस क्या, आई बाहर निकल जाएगा तो क्या, तो मैंने क्या बोला इसको क्या बनाना है, कोई बोलेगा इसे क्या बनाना है? यहां से क्या मिलता है? तो आई आई ए बी, तो 2 गायब है। ये चीज को देखो रे, ये स्टार मार्क दे रहा हूं, 2 कैसे लेके आ रहा हूं, आया समझ में? ये क्यों नहीं आएगा? अब 2i√3 को कैसा लिखोगे कि 2 मिल जाए, कोई बोलेगा? i√3 में कैसे स्क्वायर लेके जाओगे i और रूट थ्री को कि 2 मिल जाए? हाँ तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? अब i के टर्म में नेगेटिव को चेंज कर दो, क्या मिला तब? किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, 3 माइनस 1 के बदले क्या लिख सकता हूं? इज इट ओके? ऊपर वाला क्या हो गया, 1/√2 तो कॉमन ही ले लो, तो रूट आवर के अंदर क्या आया, इसे भी √3 का स्क्वायर ले लो, तो क्या आया,
रूट थ्री प्लस आई का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कितना, रूट थ्री प्लस आई बाय रूट टू, खेला खत्म। एक्स वाई लेके मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तो आराम से निकल ही जाएगा, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एक्स वाई लेके भी कर सकते हो, वो तुम्हारा काम है, आराम से। सर हमारे स्कूल में बताया गया है कि ऐसे ही करना है, ठीक है तो करो ना एक्स प्लस आई वाई, इसमें अब मैं क्या बताऊँ, स्क्वायर करके दोनों साइड कंपेयर करके देखो ना, ये तो इसमें बताने लायक कुछ है क्या। आगे निकलूं, हर तरीका थोड़ा सा टाइम तो देना ही, रुक जाओ 30 सेकंड एक टाइम दे दो फिर आ जाता हूं। चलो आगे चलता हूँ, इफ जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट थ्राइज जेड वन बाय फोर जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी, देन फाइंड मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू बाय जेड वन प्लस जेड टू। सम एक बार लिख लोगे, 20 सेकेंड्स देता हूं। आगे निकलूं? हाँ सर। चलो ये लैंग्वेज अंग्रेजी में है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स में, जानते हो क्या, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिसे इंग्लिश कहते हो तुम लोग, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड दिया रहेगा उसे मैथ्स में चेंज करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, मतलब थ्री जेड वन बाय फोर जेड टू एक प्योरली रियल पार्ट जीरो। अब रियल पार्ट जीरो को मैं ऐसा लिख सकता हूँ इज इक्वल टू के टर्म्स ऑफ आई, हाँ या ना, प्योरली इमेजिनरी नंबर हर समय ऐसा ही दिखेगा, इज इट ओके? उसका रियल पार्ट तो जीरो होगा ना, मतलब अगर के आई प्लस जीरो मतलब इसका रियल पार्ट जीरो होगा, तो रियल पार्ट अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब जेड वन तब कैसा दिखा, खेला ही खत्म हो गया। सर क्यों बोल रहे हो ऐसा, बता रहा हूं, जेड वन को लिख सकते हो के फोर के बाय थ्री टाइम्स ऑफ जेड टू आई, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है किसका मॉड निकालना है, जेड वन माइनस जेड टू बाय Z1 प्लस Z2, तो Z1 के बदले क्या लिख सकते हो, 4K by 3 Z2i minus Z2 divided by 4K by 3 Z2i plus Z2। क्या Z2 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, अगर Z2 को कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, 4KI minus 3, is it okay? और नीचे क्या बच जाएगा, 4KI 3 LCM मैंने ले लिया, Z2 Z2 कैंसिल, तो हेंस क्या आ गया, ये हो गया मॉड ऑफ 4KI माइनस 3 और ये क्या हो गया मॉड ऑफ
फोर के आई प्लस थ्री, तो मुझे कोई हेल्प करेगा यहाँ? बहुत शांति है, काफी सन्नाटा है, इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 25 4k² + 3² और नीचे वाले का सेम ही होगा। समझ में आया? मतलब ऊपर वाला प्लस कहां से आया, किसी को डाउट है तो समझ में आ रहा है ना? माइनस थ्री का स्क्वायर अल्टीमेटली तो प्लस ही हो जाएगा ना। तब तो कैंसिल होके आंसर क्या आ गया? 1। यही निकालना था। ऑब्जेक्टिव का एक स्टैंडर्ड सम है, आ सकता है स्कूल में, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। कहीं डाउट है तो पूछो। आगे निकलूं? टाइमर देना भूल गया था। हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो मुझे बोल दिया करो। हाँ, हो जाने से भी सर हो गया। चलो, प्रॉब्लम इफ एक बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है और जो कई बार यूज होता है। हाँ, जेड एक्स प्लस आई वाई है, जेड बार एक्स माइनस आई वाई है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं जेड इंटू जेड बार तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस आई वाई इंटू क्या? एक्स माइनस आई वाई। तो इसका मतलब जेड इंटू जेड बार क्या मिला? एक्स स्क्वायर, मगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ था क्या? हाँ, जेड इंटू जेड बार क्या था? मॉड जेड का। तो ये एक रिजल्ट है। मॉड जेड का होल स्क्वायर को तुम सुंदर से कुछ लिख सकते हो क्या? जेड इंटू जेड बार। सर क्या यूज? काफी यूज है। इफ मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 1, देन सो दैट 1 प्लस बी प्लस ए आई बाय 1 प्लस बी माइनस ए आई इज इक्वल टू बी प्लस ए आई। ऊपर वाला लिखने के लिए दूंगा टाइम, घबराओ मत, पहले एक बार ये दिखा देता हूं। शुरू करूं? Yes, sir. थोड़ा सा ये इस समय एक प्रॉब्लम है क्या? यहां पे आई किसके साथ है? ए के साथ। और यहां पे आई किसके साथ है? बी के साथ। प्रॉब्लम करेगा तो कुछ ऐसा कर सकता हूं कि आई ए के साथ हो जाए। हाँ, क्या कुछ ऐसा कर सकता हूं कि आई जो है वो ए के साथ हो जाए? हाँ, क्या? सर आई को कॉमन ले लीजिए। क्यों? तब वो a बाय आई प्लस बी हो जाएगा। अब 1 बाय आई क्या था, याद है? नहीं सर, भूल गए। तो i से मल्टीप्लाई करो, क्या मिला? i बाय आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस आई हो जाएगा। तो इसका मतलब
I times of क्या माइनस ए आई प्लस बी इज इक्वल टू वन. हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था मॉड जेड वन जेड टू इज इक्वल टू क्या प्रूफ किया था मॉड जेड वन इंटू क्या बोलो मॉड जेड टू. तो अगर मैं इसमें मॉड को अलग अलग कर दूं तो क्या मिलेगा मॉड आई इंटू मॉड ऑफ क्या बी माइनस ए आई इज इक्वल टू वन. मॉड आई क्या होगा कोई बोलेगा मॉड आई का मतलब क्या था जीरो प्लस आई इंटू वन तो रूट ऑवर ऑफ कोई बोलेगा जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्या देगा. तो मॉड आई वन है तो इसका मतलब क्या मिला मॉड ऑफ क्या बी माइनस ए आई इज इक्वल टू वन. ध्यान से देखो हाँ अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं क्या फायदा सर बताता हूं. बी माइनस ए आई का स्क्वायर वन होगा. मैंने अभी कुछ एक फॉर्मूला दिया था मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया था जेड इंटू क्या जेड बार. तो उस लॉजिक से बी माइनस ए आई का होल स्क्वायर क्या होगा कोई बोलेगा बी माइनस ए आई मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए आई इज इक्वल टू वन मेक इट नंबर वन. ठीक है अब चलो अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन जो तुम्हें निकालना है क्या निकालना है वन प्लस बी प्लस ए आई वन प्लस बी प्लस ए आई डिवाइडेड बाय वन प्लस बी माइनस ए आई. ठीक है सर कैसे निकालेंगे तो उसके लिए जरा तुम्हें जरा देखना होगा मैं क्या बोल रहा हूं. ये वन का वैल्यू मैं डालूंगा क्या इस वन का वैल्यू मैं केवल न्यूमरेटर वाले में डाल सकता हूं इस वन के बदले क्या डाल सकता हूं बस बोलते जाओ ना थोड़ा सा. ठीक है चलो बी माइनस ए आई इंटू क्या बस बोलो क्या कुछ कॉमन आ रहा है तो बी प्लस ए आई कॉमन लेने से ऊपर क्या रह गया क्योंकि कॉमन तुमने किसको लिया कॉमन तो तुमने इस वाले को लिया ना और नीचे क्या रह गया क्या ये और ये कैंसिल हो गया. गॉट द आंसर. तो ये इसका आंसर है किसी को लिखना है तो लिख लो. हाँ बोलो सर लाइन 23 और 24 एक बार एक्सप्लेन कर देंगे फिर से. 23 तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि मॉड जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो सर इनटू सर पार्ट. तो ये स्क्वायर लिखने के लिए क्योंकि ये मॉडुलस है तो मैंने मॉडुलस को इसलिए क्या कर दिया इसे तो नहीं लिख सकता हूँ तो इसलिए मैंने क्या किया स्क्वायर. स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ सर समझ गया तो मैं जेड इंटू जेड बार वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ. ठीक है लास्ट लाइन दिखाइए ना सर. हाँ दिखा रहा हूँ रुक जा पहले ऊपर से धीरे धीरे सब जगाऊंगा. हाँ ठीक है लिखना एक बार एक्सप्लेन कर दो 15 वाला. मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया अगर मैं आई को कॉमन लूंगा तो क्या बना ये समझ में आया. हाँ सर. अब वन बाय आई को क्या लिख सकता हूँ आई इंटू आई आई इंटू आई आई स्क्वायर क्या था माइनस वन आया समझ. हाँ सर. इसे मैं और एक तरीके से करवा सकता हूँ. ठीक है पहले ये लिख लो चाहिए तो और एक तरीके से करवा दूंगा अभी. ठीक है पहले इसे लिख लो. हाँ वो लंबा होगा यही अच्छा है.
आगे चलूं? यस सॉरी एक मिनट. सर हो गया. चलो इसका और एक तरीका है जिसमें तुम्हें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना होगा. चलो वो वाला भी दिखाता हूं. आगे चलूं? चलो गिवन क्या है बोलो तो. अल्टरनेट मेथड गिवन क्या है, थोड़ा हल्ला करोगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि सेकंड मेथड है. गिवन क्या है? मॉड ऑफ a plus ib equals to 1. इसका मतलब क्या हुआ? रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 1. चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? 1 प्लस. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ऊपर मैं देख सकता हूँ, जस्ट तुमसे पूछ रहा हूँ. हाँ, वन प्लस कोई बोलेगा? हाँ, वन प्लस बी प्लस ए आई, ताकि मुझे हाँ मुझे पता चले ना कि हाँ तुम लोग भी इंटरेस्टेड हो दूसरा मेथड सीखने में. बी माइनस ए आई, ये होगा मेरे ख्याल में. हाँ, तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है कि नीचे तुम रियल पार्ट लेके आओ. नीचे रियल पार्ट लेके आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके कॉन्जुगेट से. और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी प्लस ए आई इमेजिनरी पार्ट. ये क्या हुआ? 1 प्लस बी. हाँ, किसी ने अभी कुछ कहा था 1, तो मल्टीप्लाई करता हूँ क्या 1 प्लस बी प्लस ए आई से और नीचे 1 प्लस बी प्लस ए. दो मिनट रुको, मेरा फैन काम नहीं कर रहा. अरे वन प्लस ए आई नीचे भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 प्लस बी प्लस ए आई से. तो क्या हुआ था डिनोमेटर में? क्या आया डिनोमेटर में? तो ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर. और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी ए आई का क्या बोलो? होल स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन एज क्या? 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए आई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस बी इंटू, अरे फॉर्मूला में ब्रेक करना और कुछ नहीं है, और ट्वाइस ए आई. देखता हूँ इससे आ रहा है नहीं. हाँ, ये लंबा मुझे लग रहा था, ये लंबा होगा. और फिर मुझे लगा एक बार करके देखूँ कि वैल्यू मुझे मालूम है. अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, याद रखना. हाँ, इसका ब्रेकआउट क्या होगा? 1 प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. मगर मुझे कुछ मालूम है क्या? ऊपर वाला क्या हो गया? 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस आई के साथ लूंगा तो ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए होल डिवाइडेड बाय. क्या क्वेश्चन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है? दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 1. ये तो गिवन है, ये तो ऊपर मैंने दे. तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बदले अगर मैं 1 डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस कितना? ट्वाइस ए बी. तो चलो देखते हैं. तो यहां से 1 माइनस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो? तब 1 माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर लिख सकते हो. 1 माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है ना? वन माइनस ए स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है, तो वो तो दिखना इंपॉर्टेंट है. अरे दिखना इंपॉर्टेंट है. कॉमन क्या ले सकते हो? ट्वाइस ए आई. तो क्या रह गया? बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या? 2 कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस ए बी. करने दो मुझे एक बार, देखता हूं आता है या नहीं.
तो आईसीबी नहीं होगा क्या, गलती लिखा क्या, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो क्या, वो होता है ऑनलाइन में होता है, घबरा मत, इसका ब्रेकआउट गलत लिखा है क्या, ध्यान से देखो, नहीं क्या, ऑनलाइन में होता है वो, ठीक है। वन प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस ट्वाइस बी, ट्वाइस बी होगा ना, तो ए कहां से आ गया है यहाँ पे, ए कहां से आ गया, वन माइनस ए स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितने बार आ जाएगा तब, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस ए आई क्या, बी प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ क्या, वन प्लस बी, ऊपर क्या आ गया तब, टू बी स्क्वायर प्लस क्या, ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस ए आई क्या, बी प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या, इसमें क्या कॉमन आ रहा है एकदम, तुम भी बोलोगे सर घटिया सवाल पूछ रहे हो आप, अब खत्म कीजिए ना, दिख तो मुझे भी रहा है और आपको भी रहा है, क्या दिख रहा है आंसर, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, टू वन प्लस बी, तो क्या रह गया बोलो, तो बहुत स्टूडेंट इसे प्रेफर करते हैं, बहुत लोग इसे प्रेफर करते हैं सर, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ा, समझ में आया, बस एक ही चीज सोचना पड़ा, क्या डिनोमिनेटर जो है इसे तुम्हें क्या करना होगा, उसे रैशनलाइज नहीं कहते, मगर हम लोग तुम्हारे और मेरे बीच में हम लोग इसे रैशनलाइज ही कहेंगे, हाँ कि रैशनलाइज कर दो, स्पेलिंग जो भी है, किसी को लिखना है तो लिख लो, चलो लिखना है तो लिखो, मुझे बोलोगे तो मैं नीचे लेते हुए जाऊंगा भाई, इसलिए देखा तुम चार चार बच्चों ने मुझे बस मुझे कॉपी, मुझे ऊपर जाने का जरूरत नहीं हुआ, तुम लोगों ने ए प्लस आई भी बोला, मेरा दिल खुश हो गया, मैंने और एक मेथड दे दिया कि नहीं हाँ स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन में क्या होता है ना, ऑफलाइन में पंगा नहीं है, ऑनलाइन में क्या होता है ना कि डर लगता है ज्यादा करवाने में, अब बच्चा कहीं कंफ्यूज हो जाए, बच्चा बोलने लगे कि सर एक्स्ट्रा चीज हो रहा है, स्कूल में इतना चीज नहीं कराया जाता है, अगर मैं करवा दूं तो, ठीक है, और वो चीज जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। हाँ सर नीचे लेंगे, नीचे हाँ, टेक योर टाइम, मुझे बोल देना बस, ठीक है ठीक है, मैं और एक मिनट का ही टाइम दे रहा हूँ, लिखो, लंबा चीज है, मैं जान रहा हूँ, आगे चलूं? जी सर। चलो लिख रहे हो तो लिख लो, हो गया तो आगे चलो, चलो
if alpha and beta are two complex numbers. With mod beta is equal to 1, then prove that beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta is also equal to 1. Solution. शुरू करूं? So, alpha bar है ना? नहीं, alpha and beta, हाँ, इस वाले में, final answer में alpha bar. इसमें alpha bar है. आगे निकलूं? हाँ सर. यार मॉड बीटा वन दिया हुआ है, अच्छा नहीं लगा. स्क्वायर कर दूं तो मॉड बीटा स्क्वायर वन. बीटा स्क्वायर को कुछ लिखवाया था क्या ऊपर? कोई बोलेगा अभी? मॉड जेड स्क्वायर को कुछ लिखाया था क्या? बीटा इनटू मॉड कॉन्जुगेट ऑफ बीटा. बीटा इनटू बीटा कॉन्जुगेट कितना हो गया? वन. ठीक है, ठीक है. अब लेफ्ट हैंड साइड जिस चीज का प्रूफ करना है वो जरा देखते हैं क्या. मॉड ऑफ बीटा माइनस, अरे ऊपर ऐसा एग्जाम अभी जस्ट करवाया था मुझे, मुझे ऐसा फील हो रहा है वो कहीं इससे ज्यादा टफर सम था. क्या इस वन के बदले कुछ लिख सकता हूं? क्या कुछ बीटा इंटू बीटा बार लिखने से कुछ कॉमन हो जाएगा? बोलते जाओ, माइक्रोफोन ऑफ करने का जरूरत नहीं है. बीटा माइनस अल्फा. बीटा कॉमन ले लूंगा तो बीटा बार माइनस अल्फा बार. क्या मॉड सब में अलग अलग हो जाता था? याद है मॉड का तो ये प्रॉपर्टी था ना, क्या बीटा बार माइनस अल्फा बार. मगर मुझे मालूम है मैं मॉड जेड निकालूं या मॉड जेड बार, दोनों एग्जैक्टली सेम है. इज इट ओके? समझ में आ रहा है ना? क्यों x प्लस आई वाई लू या x माइनस आई वाई लू? जब मॉड लू तो क्या होगा? वो रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दोनों तो सेम ही है ना रे, तो इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा या नहीं? यस सर. किसी को डाउट है तो बोलेगा. रह गया वन बाय मॉड बीटा. सम तुमने लिखा था क्या? मॉड बीटा कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या कुछ? मॉड बीटा वन दिया हुआ. तो खेला खत्म हो गया. कितना सुंदर तरीके से हुआ, हाथ कहीं भी गंदा करना नहीं पड़ा. किसी को लिखना है तो लिख लो, डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं. चलूं आगे? जी सर. चलो चीजों को समझो, चीजों को समझो. समझ में आया? क्या समझना है? मॉड जेड का स्क्वायर क्या लिख सकते हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. चलो एरोगेंट प्लेन that is also known as complex plane. जब तुम z को x plus iy लिखते हो जिसमें x और y real है, ये corresponding to एक
टू डी प्लेन में भी बनाता है और वो पॉइंट का करस्पॉन्डिंग होता है पी एक्स कॉमा वाई। इसे तुम ड्रॉ कर सकते हो, इसका मतलब है अगर तुम ये लेते हो, ये पॉइंट को अगर तुम जेड मानते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड को तुम लिख सकते हो एक्स प्लस आई वाई, इसे एफ एक्स कहते हैं, और अगर इसे पी के टर्म में लिखोगे तो ये पॉइंट एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब फिर से वही है जो तुमने क्लास टेंथ में सीखा था कि ये लेंथ एक्स होगा और ये लेंथ वाई होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया तब, मेरे ख्याल में ये तो जानते ही होगे, ओपी का डिस्टेंस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये कुछ है, मतलब कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, कुछ जानते हो इसको? मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड, इसका मतलब मॉड जेड तुम्हें ज्योमेट्रिकली क्या दे रहा है, एक डिस्टेंस दे रहा है, कहां से कहां तक, रीजंस। ठीक है, तो दिस ओपी, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। बस एक अंतर है, जब तुम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये मोटा वाला जो एक्स एक्सिस तुमने ड्रॉ किया, यहां पे एक्स एक्सिस को ऑरिक नाम कहा जाता है, एक्स है इसलिए उसे रियल एक्सिस कहा जाता है, ये वही एक्स एक्सिस है रे, बस नाम चेंज हो रहा है। तो अब मुझे बोलोगे वाई वाले को क्या कहूंगा, क्या लग रहा है तुम्हें, कुछ तो लग रहा होगा दिमाग में, कुछ तो आ रहा होगा, क्या कहूंगा वाई है तो इमेजिनरी एक्सिस, तो इसे कहूंगा इमेजिनरी एक्सिस। तो तुम्हारे एरगन प्लेन से पोलर फॉर्म आता है, मगर अभी पोलर फॉर्म टर्म वन में है नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बताया नहीं है, तो पोलर फॉर्म का तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें बस तुम्हारे तुम्हारे समय तुम्हारे क्वेश्चन में जो आएगा, स्कूल के जो एग्जाम में आएगा, वो केवल इतना आ सकता है कि कभी कभी ये बोल सकता है कि तुम लोकेट करो, लोकेट द क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में चीजें बिलोंग करता है। क्वाड्रेंट का नाम तो जानते होगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ जेड इज इक्वल टू टू माइनस थ्री आई, कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो ये करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट क्या होगा, इसका कोई बोलेगा? टू कॉमा माइनस थ्री, तो टू कॉमा माइनस थ्री कहाँ पे लाई करेगा, एक्स 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 वाई, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कभी कभी ऐसा दिया जा सकता है कि 3 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई, तब तुम नहीं बोल पाओगे इसका। अगर क्वाड्रेंट निकालना है तो पहले इसे किस फॉर्म में चेंज करना होगा, चेंज इन ए प्लस आई बी फॉर्म। तो ए प्लस आई बी फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? स्कूल तुम लोगों का खुल चुका है, इसलिए हो सकता है कई लोग ने टीबीएस सबमिट नहीं किया है, मगर मैं ये अपने आप को दिल को बहलाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन फिनोमिना है, दैट इज नोन एज हाइबरनेशन। सर कब लगता है, टेंथ का जब रिजल्ट निकल जाता है तो उसके बाद पूरा क्लास ट्वेल्थ बच्चे का हाइबरनेशन में जाता है, ठीक है, जैसे पोलर बियर का होता है। और हाइबरनेशन बहुत डेंजरस फिनोमिना है, पोलर बियर जब हाइबरनेट करता है तो वो सबसे डेंजरस, उसका प्रीडेटर उसे खा भी सकता है। तो वो जो जब अगर तुम हाइबरनेशन में जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक प्रीडेटर है, उस प्रीडेटर का नाम मोबाइल फोन है, हो सकता है कि वो तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को खा जाए और उसे खाली कर दे। तो जरा बस इस चीज को जरा ध्यान से देख लेना। हाँ, टीबीएस अगर उसके कारण सबमिट नहीं की हो तो कोई अलग रीजन है, डन, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरी बच्ची है क्लास नाइन्थ में, मुझे मालूम है स्कूल का प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो चलो, अगर मैं टू प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हुआ, बोलो, थ्री प्लस आई इंटू कितना, बोलो, टू प्लस आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, रूट ओवर ऑफ क्या, टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, कितना हुआ, टू थ्री जा सिक्स प्लस 5y माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना, रूट ओवर 5, तो कितना आया, 5 बाय रूट 5, मतलब रूट 5 प्लस रूट 5y, कौन सा क्वाड्रेंट बोलोगे, कौन सा पॉइंट मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, रूट 5 कॉमा रूट 5, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो भैया किसी को लिखना है तो लिख लो आराम से, कहीं डाउट है तो बोलो, कहीं भी डाउट है तो बोलो, ठीक है। अगर तुम मेरे बात से मोटिवेट हो गए, नहीं सर मुझे हाइबरनेट नहीं करना है, तो पूछो मुझसे, सर ये डाउट है, कभी भी मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है, कभी भी मोटिवेशन आ सकता है, कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। एक आलसी और एक फेलियर के सबसे बड़ा बात जानता है क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि ए लास्ट दो महीने से नहीं पढ़ा हूं, अब पढ़ के क्या फायदा है, ठीक है,
मैं 10 दिन जब सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता हूँ ना, 11 दिन मैं यही सोचता हूँ, ठीक है। अभी तक फिजिकल क्लास नहीं हुआ है, तुम जब मेरा होगा तो देखोगे कि मैं मोटा टगरा आदमी, 10 दिन से नहीं गया, आज भी सो जाता हूँ, आलसी। यही चीज पढ़ाई में किसी के साथ होता है, ठीक है। तो मैं फिजिकली थोड़ा अनफिट हो गया हूँ, बीमार रहता हूँ, तब भी हर सुबह मैं सोचता हूँ एक महीने से नहीं गया हूँ, अब आज जाके नहीं कल से जाऊंगा, तो वो ठीक है। और ये कई बार तुम लोग के साथ होता है पढ़ाई में, खासकर 11th में ये एक इन्फेक्शियस वायरस की तरह काम करता है। लिखना है तो लिख लो। डिनोमिनेटर में रूट क्यों आया? ओ नहीं आएगा ना, सॉरी, थैंक्स, क्योंकि मुझे मॉड लगा था। तो क्या आएगा? टू स्क्वायर प्लस फाइव, फाइव आने से क्या हो गया, वन प्लस आई, तो पॉइंट फाइव, पॉइंट वन कॉमा वन होगा, कोऑर्डिनेट वन ही होगा, ठीक है। लिखना है तो लिख। आगे निकलूं? दो मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो इसलिए करना है, ठीक है। मतलब बात क्या है कि मैं जानता हूं मैं कभी कभी टीबीएस लेट देता हूं, ठीक है, थर्सडे को देता हूं, संडे सबमिट करना है। अगर स्कूल के लिए तुम लोग सबमिट नहीं करते तो बात अलग है, मगर मोबाइल होने के कारण अगर तुम फील करते हो रुपेश सर मुझे मशीन समझते हैं तो गलत बात है, ठीक। इस चीज को समझो, मोबाइल बहुत बुरा चीज है। आगे निकलूं? लिख लिया? हाँ, ठीक है। तो इसलिए सबमिट करने का कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी मैं लेट देता हूं, मुझे मालूम है। चलो आगे निकलता हूं, ठीक है। तो अगर जेड लाइज इन प्योर, जेड लाइज इन एक्स एक्सिस होगा, जेड लाइज इन रियल एक्सिस, ये कब होगा कोई बोलेगा? जेड राइज इन रियल एक्सिस कब लाई, मतलब यहाँ पे लाई करना होगा, इस मोटे वाले में कब लाई करेगा, जब, एकदम घटिया सवाल है, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो, मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो कई बार तुम्हें समझ ऐसा दिया रहेगा प्रॉब्लम, इफ ओमेगा इज इक्वल टू वन प्लस आई जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई and mod omega is equal to 1, prove that z lies on real axis. Likhna hai to likh lo. आगे चलूं? हाँ सर। तो z lies on real axis, देखो इसका एक एल्गोरिथम है। हाँ, हम मान के चलते हैं कि let z is equal to x plus iy, तो क्या जीरो दिखाना पड़ेगा, z real axis में लाई कर रहा है, तू सो, कोई बोलेगा? सर y is equal to zero, तो सो y is equal to zero, given क्या है ये भी तब बोल दो, अच्छा लगेगा। दो चीज है मैं जानता हूं, चलो यहां से शुरू करते हैं।
मॉड ओमेगा वन है. मॉड ओमेगा का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ वन प्लस आई जेड बाय जेड माइनस आई इज इक्वल टू वन. मॉड अलग अलग कर सकते हो, मतलब मॉड ऑफ वन प्लस आई जेड इज इक्वल टू, ये इस साइड गया मॉड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, जेड स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर गलत है. क्यों? क्योंकि तुम्हें ये नहीं लिख सकते हो, तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने के लिए जरूरी है कि ये ए प्लस आई बी का फॉर्म हो, जेड के अंदर एक आई छुपा हुआ है. तो तुम्हारा सबसे पहला तरीका काम होगा इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लेके लिखना. तो कैसे लिख सकते हो, वन प्लस आई जेड के बदले क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस आई वाई. तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस आई. दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तब ये मैं डायरेक्टली लिखा हूं, आई स्क्वायर वन है माइनस आई वाई प्लस आई एक्स. आ गया आंसर, क्या आया, एक्स प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई माइनस वन, वन प्लस आई एक्स तो वन माइनस वाई. तो क्या देगा ये, रूट ऑवर ऑफ क्या देगा, अब ये ए प्लस आई बी फॉर्म है, कोई हल्ला करेगा क्या देगा ये. तुम भी बोलोगे सर क्या हल्ला करने लायक कुछ है ही नहीं, बस तो सुनने में आ रहा है. अगर हल्ला नहीं करना है तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, कहीं गड़बड़ किया क्या मैंने कुछ, जेड माइनस आई वन प्लस आई जेड कॉसम गलत है. ओ नो कॉसम गलत है भाई, तो इसलिए आंसर नहीं आ रहा है. सॉरी ये माइनस आई जेड, अरे वी हैव टू करेक्ट इट, ओके एल्स वी आर नॉट गोइंग टू गेट द आंसर. और फिर उसके बाद ये मिटा देता हूँ, हाँ इसे दोबारा लिखूंगा. चलो शुरू करता हूँ, क्या दिया हुआ है, मैं सॉरी गलती क्या रही, ये वन माइनस आई जेड है, सॉरी हाँ ये वन माइनस आई जेड है, ये वन माइनस आई जेड है. तो क्या होगा तब, वन माइनस आई एक्स क्या, माइनस आई स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या, एक्स प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई माइनस वन. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था, तो ये क्या होगा, वन माइनस आई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस आई वाई माइनस वन. तो ये क्या हो गया, वन प्लस वाई माइनस आई एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स प्लस आई वाई माइनस वन. ये रूट ऑवर के टर्म में क्या देगा, वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सुनने में आ रहा है, अगर रूट ऑवर हटाऊं तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, वन स्क्वायर प्लस, इसे ब्रेक कर रहा हूं रे, प्लस ट्वाइस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई प्लस वन. एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, वन वन कैंसिल, क्या मिला, ट्वाइस वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस वाई, मतलब फोर वाई इक्वल टू जीरो. अगर वाई जीरो है तो क्या बोलोगे तब, तुमने क्या लिया था, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड वाई इक्वल टू जीरो, तो जेड इज प्योरली रियल, हाँ या ना. Yes, sir. और जेड अगर प्योरली रियल है तो इसका मतलब जेड कहां पे लाई करेगा, जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस, ठीक है. तो हर समय ये याद रखना, ठीक है, क्या दो रिजल्ट है क्या, जेड को अगर मैंने एक्स प्लस आई वाई दिया और तुमसे पूछा कि जेड लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा, तो रियल पाथ जीरो, और इमेजर रियल एक्सिस होने के लिए इमेजिनरी पाथ जीरो. किसी को लिखने का मैंने लिख लो, फिर आगे चलेंगे.
आगे चलूं और दस तरीका तुम लोग बोला करो, मैं हूं यहीं पे। हाँ कि सर आगे चलो। हाँ सर। बोल देना। निकलो आगे। इफ सर थोड़ा सा लास्ट लाइन बाकी था। ठीक है तो लिख लो, 30 सेकंड दे देता हूँ। ओके इफ। अच्छा डिवीजन एल्गोरिथम जानते हो ना, पॉलिनोमियल में भी डिवीजन एल्गोरिथम लगता है। P of x को अगर तुम g of x से डिवाइड करोगे तो ऊपर में तुम्हें एक कोसेंट मिलेगा और नीचे एक रिमाइंडर मिलता है r of x। और P of x का वैल्यू तब क्या लिख सकते हो, g of x मल्टीप्लाइड बाय, नहीं जानते हो या जानते हो, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है क्योंकि आजकल ये डिलेटेड सिलेबस को लेके बड़ा हाहाकार हो चुका है। ये जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैंने सपोज एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू को मैंने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन से, तो ऊपर अगर मैं एक्स लेके जाऊंगा तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये और ये गया 6x² plus 7x plus 2। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6x² minus 6x minus 6, ये माइनस ये प्लस गया 6 plus 7 13x minus 4। तो क्या लिख सकते हो तब बोलोगे, x³ plus 5x² plus 6x plus 2, क्योंकि इतना शांत हो गए तो बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या लिखोगे इसे कल तो? 5 minus x minus 1 into x plus 6 ये plus 6 तो ये 10 है। थैंक्स। हाँ क्या लिखोगे, x square minus x minus 1 multiplied by, हाँ बोल दे जा, plus 6 plus 13 x plus 10। ठीक है तो एक टाइप का सम है। अगर मैंने अगर अब मैं तुम्हें बोल दूं कि सपोज इसका वैल्यू जीरो है, कितना मजा आ जाएगा नहीं क्या? अगर ये जीरो है तो ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो ये पूरा वेनिस हो जाएगा नहीं ये पार्ट। ठीक है सर, जीरो क्यों होगा वो मैं बताऊंगा, जीरो क्यों होगा उस चीज का चिंता मत करो। हाँ तो केवल अब तुम्हें इसका वैल्यू निकालना होगा। तो अब मैं एक सम कर रहा हूँ, ये लिखने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है। बहुत स्टूडेंट लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, डायरेक्टली वैल्यू डाल के कर लेते हैं, उससे आंसर आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मगर मैं उस टाइप से नहीं करूंगा, प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 16 इफ x माइनस वन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस फोर। सॉल्यूशन, मैंने
जब मैं ये सम देता हूँ टीबीएस में इस टाइप का, तो मैंने कई स्टूडेंट को देखा है क्योंकि क्यूब है तो वो ये करते हैं, गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि स्कूल में मार्क्स कटेगा, ये ट्वाइस आई हो जाता है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया बोलो, और वो इसमें क्या करते हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कहीं गलत नहीं है, ठीक है। मगर मैं एक अल्टरनेट मेथड देना चाहता हूं, सब्स्टिट्यूट करना क्या सिखाऊं वो तो तुम भी जानते हो क्या। देखो मैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करूंगा जिसका ये रूट है। सर मतलब देखो, मुझे x माइनस वन इज इक्वल टू ट्वाइस आई, आई को मैं एक साइड रखूंगा, बाकी सबको एक साइड रखूंगा और आई को हटाने का कोशिश करूंगा। रूट को हटाने का, आई को हटाने का बेस्ट तरीका क्या है, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर, स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, प्लस वन इज इक्वल टू 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 जा माइनस फोर, तो इससे क्या मिला, यहां तक समझ में आया, हाँ या ना। मैंने स्क्वायर को हटाया और कुछ नहीं किया, मैं फिर से कह रहा हूँ इसमें कोई गड़बड़ नहीं है रे, ये तुम इस वाले में डाल दो, हाँ कोई गड़बड़ नहीं है, तुम्हें मार्क्स सही है, हाँ मगर एक नया तरीका सीखने में भी तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना। तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है बोलो, तुम्हें वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्सटीन को, इसे डिवाइड कर दो किससे, तुम्हें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है क्या मिला, तुम्हें ट्वाइस एक्स प्लस फाइव मिला। ये कहां से मिला समझ में आ रहा है, तुम्हारा मेन एम है टू रिमूव आई, तुम्हारा मेन होता है टू रिमूव आई, तो आई को रिमूव करने के लिए अगर इसको स्क्वायर करोगे तो आई कैसे रिमूव होगा, इसलिए वन को इस साइड लेके आ गया और मैंने इससे स्क्वायर किया है। तो अगर मैं एक्स ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेवन एट नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्सटीन, प्लस नाइन के साथ करता हूं तो नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन टू जा एटीन एक्स प्लस फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस करूंगा तो कैंसिल कर रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ अलग क्यों आ रहा है, क्या एटीन एक्स था, ये क्या आ रहा है ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी नाइन। तो आप बोलोगे तब क्या होगा, डिविडेंड क्या हो गया, तब एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्सटीन का वैल्यू क्या हुआ डिविजन एल्गोरिथम से, डिविजन एल्गोरिथम से एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाई क्या, प्लस कितना 12x माइनस 29। मगर इसका वैल्यू क्या है ये देखो ना, क्या है इसका वैल्यू, उस दिया हाँ? मुझे मालूम है वन से, तो ये तो जीरो हो रहा है, तो इज इक्वल टू क्या, जीरो इंटू एक्स प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व एक्स फ्रॉम वन, तो सर x जो रह गया, हाँ उससे कोई पंगा नहीं है ना, x का वैल्यू तो मालूम है ना, x का वैल्यू क्या है, मगर इसको नंबर ए दे देता हूँ, तो x का वैल्यू क्या था मैं भूल गया, वन प्लस टू आई कहाँ से, फ्रॉम ए, तो सर खेला ही खत्म हो गया, सबका अपने वैल्यू ही निकाल दिया, हाँ तो निकाल दिया माइनस सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फोर आई, दिस इज द आंसर, किसी को डाउट है तो पूछो। मैं फिर से कह रहा हूँ सर इससे आसान तो था सर, ये आप इसमें डाल देते आराम से, आराम से उससे भी आंसर आता, कौन कह रहा है नहीं आता आंसर, लिख लिया सुनने में आ रहा है, यस सर।
लिख लिया? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। इफ आई इंटू जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू जीरो देन मॉड जेड इज इक्वल टू ए वन बी टू सी थ्री डी फोर सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे भी फैक्टराइजेशन चलता है सर, मतलब बता रहा हूं, घबराते क्यों। इसमें कुछ कॉमन ले सकता हूं? जेड स्क्वायर तो क्या आया रे, आई जेड प्लस वन। इसमें माइनस कॉमन लू तो क्या आया? अभी थोड़े पहले मैंने बताया था वन बाय आई, कुछ बताया था क्या? वन बाय को नहीं, वन बाय नहीं, वन बाय नहीं, दूसरा चीज, दूसरा चीज क्या सर? क्या वन को मैं माइनस आई स्क्वायर लिख सकता हूँ? एकदम घटिया सवाल है, हाँ या ना? हाँ ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन था। कभी कभी देखो तुम्हें जरूरत क्या पड़ेगा, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट, यहाँ पे आई किसके साथ, यहाँ पे आई किसके साथ है? जेड के साथ। तो मेरा मेन एम है कि इस जेड के साथ भी मैं आई ले आऊं, मगर यहाँ पे जेड के साथ क्या है, आई है या वन है जेड का कोफिशिएंट? एकदम घटिया सवाल है, बस तुम लोग आंसर मुझे बोलो, वन है या आई है? वन है। वन होने के कारण क्या मैं उसे माइनस आई स्क्वायर जेड माइनस आई लिख सकता हूँ? समझ में आ रहा है? Yes. बात तो बराबर है। अब बोलो क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एकदम ध्यान से क्या बोलते हो? अगर मैं माइनस आई कॉमन ले लू, मतलब ये प्लस आई हो गया, तो क्या बन गया बोलो, क्या बच गया, बच क्या जाएगा? आई जेड प्लस, मतलब प्लस आई, तो बच गया आई जेड प्लस वन। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? जेड स्क्वायर प्लस आई और क्या? अब मॉड जेड चाहिए तो निकालो यार, क्या जाता है इसमें? तो आई जेड का वैल्यू वन है, तो जेड का वैल्यू वन बाय का मतलब जेड का वैल्यू माइनस आई, तो मॉड जेड कितना? माइनस आई को रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में लिखोगे तो जीरो माइनस आई लिखोगे, तो मॉड जेड कितना, हेल्प करोगे, रूट ओवर ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, कितना आया वन। और अगर ये आया तो क्या हुआ, जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, माइनस आई, तो मॉड जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस आई, मॉड ऑफ माइनस आई क्या हुआ, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जीरो माइनस आई, अभी तो निकाला था कितना, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या था, रूट ओवर ऑफ क्या, जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, कितना, मॉड जेड का स्क्वायर वन। कहीं डाउट हो रहा है तो बोलोगे मॉड जेड का वैल्यू वन, तो दोनों केस में मॉड जेड का वैल्यू क्या आया, वन। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है या यहाँ पे किसी को डाउट है, ध्यान से देखोगे ठीक है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बड़ा शांति था, मॉड थ्री आई का वैल्यू निकाल लोगे ना, क्या लिख सकते हो उसे, जीरो प्लस क्या, तो ये क्या हुआ, रूट ओवर ऑफ क्या, जीरो स्क्वायर प्लस कितना। अरे यार ये तो बच्चों जैसा चीज है, याद रखो ना मॉड आई का वैल्यू हर समय क्या होता है, होगा या नहीं, मॉड आई क्या होगा, मॉड आई वन होता है। इतना 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 बच्चों जैसा चीज जब लिखा जाता है ना, तो सीरियसली मैं कहता हूँ कि इसलिए प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़ा तो बुद्धिमानी जैसा चीज डायरेक्टली सोचो, ये माइनस आई है तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस आई मतलब मॉड आई का वैल्यू कितना है, वन। कितना सुंदर तरीके से हो गया, ऐसा लिखने से ऐसा लगता है जैसे कि बोल रहे हैं बच्चा आ कर स्पून फीडिंग। तो मॉड जेड स्क्वायर कितना हो गया, मॉड ऑफ माइनस आई, डायरेक्टली लिखो ना, मॉड जेड स्क्वायर कितना हो गया, मॉड ऑफ आई, मतलब मॉड जेड स्क्वायर तो नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए मॉड जेड क्या हो गया, तो दोनों केस में मॉड जेड का वैल्यू क्या आया, वन, तो इसलिए आंसर क्या होगा, वन होगा। अब किसी को लिखना है तो लिख लो। सर आपने क्या सिखाया, पूरा सम ही मैंने एक ही चीज सिखाया क्या, कभी कभी वन को माइनस आई स्क्वायर डाला जा सकता है, उल्टा तो हर समय करते हो। हाँ
फिर थोड़ा नीचे दिखाएंगे और लिख सर लिखा सर। चलो आगे चल रहा हूँ ठीक है। जिन लोगों ने फीस पे नहीं किया है कृपया करके फीस पे कर देंगे ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन हाँ बोलते ठीक है दे रहा हूँ। हाँ सॉल्विंग इक्वेशन देख लो लिख लो सर। आई जे इक्वल टू माइनस वन नहीं होगा क्या? आई जे जेट मॉड जेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। आया समझ में? सर नहीं, 20 वाला लाइन आई जे तो कौन सा? ओ ये वाले में माइनस वन है, ये इसमें ये माइनस वन है, तो ये माइनस वन बाई तो ये प्लस वन हो गया, तो इस वाले को हटाओ तब आ जाएगा। आगे चलू? हाँ सर। सॉल्विंग इक्वेशन हाँ, बाय टेकिंग जेड इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस आई वाई, ये एक तरीका है जेड को एक्स प्लस आई वाई लेके दोनों साइड कंपेयर कर लो और इक्वेशन को सॉल्व करो। जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सॉल्व करो जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार, सॉल्व करो जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार। कैसे सॉल्व करें सर, कुछ तो दिया ही नहीं है, किसे कंपेयर करें? हाँ इसीलिए तो मैं ले रहा हूँ, क्या करोगे? लेट अगर मैं जेड को एक्स प्लस आई वाई ले लूं तो ये कैसा दिखेगा बोलो? एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? तो इसका मतलब अगर ब्रेक करूं तो कैसा दिखेगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, क्या ये समझ में आया? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर सॉल्व करना है इसका मतलब मुझे जेड का वैल्यू चाहिए, तो आई नीड एक्स और वाई। ये एग्जैक्टली वही समय जो हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि लास्ट क्लास में ऐसा दिया हुआ था आई टाइम्स ऑफ वाई माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स आई, तब बोलोगे क्या कंपेयर करके क्या बोल सकते हो? कोई बोलेगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री और वाई, तो यहाँ पे वो चीज नहीं दिया है। मतलब जब तुम इसे ऐसा लिख सकते हो तो आप दोनों साइड कंपेयर कर सकते हो, यानी तब अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे रियल पार्ट को तो क्या होगा? कंपेयर रियल पार्ट, कोई बोलेगा x square minus y square equals to x. Thanks. और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूं कोई बोलेगा? इमेजिन रियल रियल पार्ट ये था तो ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक, तुम वाई को कैंसिल कर देते हो सर, हम हर समय करते हैं, नहीं करो, मगर जिसे कैंसिल किया एक पॉसिबिलिटी है वो जीरो भी हो सकता है, हो सकता है या नहीं? देखो वाई अगर जीरो होगा तो दोनों साइड इक्वल होगा या नहीं, हाँ या ना? अगर वाई जीरो होगा, अगर वाई जीरो नहीं हुआ और क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है बोलो? अब एक्स निकालना है, अगर वाई जीरो हुआ तो कहां से निकालूं एक्स, कोई बोलेगा? इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, अभी तुमने यहाँ पे किसको सॉल्व किया? इक्वेशन नंबर टू को, इक्वेशन नंबर वन तो बाकी है, तो पुट वाई इक्वल टू जीरो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो क्या मिला? एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन, तो जेड का वैल्यू क्या मिला बोलोगे? एक्स प्लस आई वाई, तो क्या मिला? जीरो प्लस आई जीरो और वन प्लस आई जीरो, नहीं तो और क्या ले सकते हो पुट, कोई बोलेगा? सर ये समझ में आया? अरे सॉरी मैं बिना बोले हुए समझा रहा हूँ। हाँ
अगर x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो है, तो x का वैल्यू जीरो है, तो नंबर क्या होगा? ये होगा yes, और अगर y जीरो और x वन है, तब नंबर क्या होगा? वन प्लस आई जीरो, हाँ या ना? मगर ये तो अगर तुमने y इक्वल टू जीरो पुट किया, और क्या पुट अप कर सकते हो? कोई और एक वैल्यू जानते हो? बहुत शांति है आज, पता नहीं क्यों। हाँ, x का वैल्यू कितना है? मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कह रहा हूं। x अगर माइनस हाफ होगा तो क्या मिलेगा? कोई बोलेगा? कहां से, किससे निकालोगे? x माइनस हाफ किसमें डालोगे? बस मुझे ठीक है, इन किस में, इन कौन सा इक्वेशन? वन। तो वन में डालोगे तो क्या मिलेगा? माइनस हाफ। ठीक है, चलो इतना अगर पता है तो इसका मतलब है कि आज बोलने का मन नहीं है। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलोगे? माइनस हाफ माइनस वन बाय फोर, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू क्या? थ्री बाय फोर। तो y का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू। तो x का वैल्यू अगर हाफ आया, माइनस हाफ आया, तो y का वैल्यू कितना आया? प्लस माइनस कितना? तो z का वैल्यू क्या था? तो बस मुझे कोई बोलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना मिला तब? कोई बोलेगा? इतना तो बोल दो, या नहीं बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना मिला? फोर मिला, फोर, एक दो और क्या? तो hence there is how many number, question पूछा number of solutions, पूछते तो कितने solutions बोलते हैं? Four solutions। किसी को लिखना है तो लिख लो। चलो मुझे problem नहीं है रहे, क्योंकि आवाज कम होने का एक बहुत बड़ा ये भी reason होता है कि तुम लोग TBS submit नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो लिखना है तो लिख लो। आगे नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, आज यहीं पे छोड़ता हूँ, इसका टीपीएस भेजूंगा। नेक्स्ट क्लास क्या कराऊं? मेरे पास तीन टॉपिक है टर्म वन में खत्म करने के लिए ना, लिमिट्स, स्ट्रेट लाइन और स्टैटिस्टिक्स। किसी के स्कूल में कुछ शुरू हुआ है? सर लिमिट्स, स्ट्रेट लाइन्स, स्टैटिस्टिक्स, सब शुरू हो गया, खत्म हो गया। स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से स्कूल में हुआ है? गुरुकुल। स्टैटिस्टिक्स बहुत बोरिंग चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स में मैं एक काम करूं, स्टैटिस्टिक्स का वीडियो दे दे रहा हूं, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स का एक वीडियो दे दे रहा हूं, वन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? वो देखते हैं, डिलीटेड में हटा क्या है स्टैटिस्टिक्स में? स्ट्रेट लाइन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका मेरे पास वीडियो है, वो मोर देन सफिशिएंट होगा तुम लोग के लिए। स्टैटिस्टिक्स का भी वीडियो दे देता हूँ। लिमिट्स और स्टेट लाइन में बोलो। स्टैटिस्टिक्स अभी करने का मन नहीं है, वो बाद में करवाऊंगा, पहले स्टेट लाइन। लिमिट्स और स्टेट लाइन में बोलो कुछ। स्टेट लाइन, कितने बंदे हो जरा? स्टेट लाइन कितने के स्कूल में हुआ? स्टेट लाइन तो स्टेट लाइन करूं। लिमिट्स yes, कितने स्कूल में हुआ है? yes, लिमिट्स कितने के स्कूल में हुआ है? लिमिट्स अभी तक हुआ नहीं है क्या किसी के स्कूल में? हमारे स्कूल में स्टार्ट हुआ है बस। ठीक है, जैसे शुरू ही हुआ है ना, तो चलो ठीक है, मैं स्टेट लाइन ही करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें भी वैसा ही है। एम जी देखो, ये सबसे पहले था तुम्हारा सेट जो खत्म हो गया, रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज
खत्म हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो गया है, बाकी रहा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद लिमिट है, फिर स्टैटिस्टिक्स है। तो किसी स्कूल के साथ पार्शलिटी नहीं होगा, इसी के साथ करवा दे रहा हूँ, ठीक है? स्ट्रेट लाइन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ चलो सर, टीबीएस का डाउट। हाँ टीबीएस का डाउट लूंगा अभी, जिनको निकलना है निकल जाओ, जिनका डाउट है डाउट भेजो। टीबीएस का डाउट मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ टीबीएस, डाउट मुझे बोलो कहाँ पे भेजने का, लाने का जरूरत नहीं। टीबीएस मेरा गया, ये रहा टीबीएस जीपी वाला और ये रहा टीबीएस, टीबीएस टीबीएस टीबीएस, ये रहा गुड नोट्स बोर्डर्स नहीं तो प्रमाण इंपोर्ट सितंबर। हाँ बोल, टीबीएस का डाउट बोल सर। सब्जेक्टिव का सिक्स नंबर थ्री, सब्जेक्टिव का सिक्स नंबर सर, उसको सर सिक्स नंबर थ्री मॉडुलस इसका निकालना था सर। इसको लाइक सर डिनोमिनेटर में कंजुगेट मल्टीप्लाई करके जब आंसर नहीं, नहीं करना ही नहीं है कुछ, वो करना ही नहीं है ना, मॉडुलस निकालना है डायरेक्टली, बस इसका मॉडुलस निकालने से हो जाएगा। मॉडुलस का तो प्रॉपर्टी था ना सर, तब आंसर है, पर सर यही रूल यूज करना होगा क्या? हाँ हाँ, इसमें यही तो मॉडुलस का तो खासियत ही है ना कि डायरेक्टली यही तो लगा सकते हो। हाँ ये तो प्रॉपर्टी है ना मॉड का। हाँ सर, फिर टू का नंबर थ्री, फिर ये तो वही वाला हो गया जैसे आज स्क्वायर रूट में जो निकाला था, x माइनस टू आई का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दे। हाँ तो x स्क्वायर, ये समझ में आया? हाँ तो दोनों साइड कंपेयर करने से क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ट्वाइस एक्स वाई क्या मिलेगा, माइनस माइनस टू, तो y का वैल्यू कितना मिला, छोड़ दूं? हाँ कुछ और किसी का कुछ डाउट है? पल्लवी सुनने में नहीं आ रहा है। नंबर 18, नंबर 18 There are 33 at a equal distance of 5 meter in a line with a well. ये well है suppose. ये tree 1 है, ये tree 2 है, ये tree 29 है, ये tree 30 है. There are 33 at a equal distance of 5 meters. In a line, सब 5 meters के distance में. The distance of the well from the nearest tree being 10 meter. ये 10 meter का distance. A gardener waters all trees separately. Find the total distance. ठीक है, तो पहली बार वो कितना distance cover करेगा जब जाएगा? 20 meter. समझ में आया? Yes sir. फिर उसके बाद जब वो distance कितना cover करेगा? 30. उसके बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 40. तो ऐसा जाते जाते वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इसका ये ए वन है, ये ए टू है, टी टू में ए टू आया, टी थ्री में ए थ्री आया, तो इसमें कितना डिस्टेंस, टोटल टर्म्स कितने हो गए तब यहाँ पे? ये ए 30 होगा, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, कहां तक? अप टू 30 टर्म्स, छोड़ दूं? यस सर। ये 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, अब तो हो जाएगा ना? हाँ सर। सर क्वेश्चन नंबर 19।
कट गया था. किसी और का डाउट है कुछ? क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. तो यही हो जाएगा. एक्स का वैल्यू क्या हुआ तब? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 बाय आर है नहीं क्या? आर ए बाय आर माइनस 1. इसका कॉमन रेशियो क्या है? पहले माइनस फिर प्लस 1, तो इसलिए इसका कॉमन रेशियो तो माइनस 1 बाय आर होगा ना. आया समझ में ये? हाँ सर. तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी आर बाय आर प्लस 1. और जेड का कॉमन रेशियो क्या होगा? सी बाय क्या? आर स्क्वायर है, मतलब 1 बाय आर स्क्वायर. तो कितना? सी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1. अब सब में डाल दे, डाल दे एक्स वाई बाय जेड, छोड़ दू या कर एक्स ये आर. मैंने गलती फार्मूला लिख दिया, वो फार्मूला लिख देना. ये वाला तो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा. समझ में आ रहा है? देख लेते भैया, मतलब इसमें इसमें कॉमन रेशियो क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर. नहीं, 1 बाय आर स्क्वायर. हां, 1 बाय आर स्क्वायर. इसमें कॉमन रेशियो क्या है? प्लस माइनस है, माइनस 1 बाय आर. और इसमें कॉमन रेशियो क्या है? प्लस प्लस है, 1 बाय आर. तो बस, तो अगर कॉमन रेशियो पता चल गया तो डायरेक्टली फार्मूला लगा दें. इज इट ओके? यस सर. कुछ और डाउट है किसी का? ठीक है, चलो.